हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो पे। चलिए बात करते हैं डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग फिल्म, मतलब जो हनु राघवापुरी के साथ जो आ रही है फिल्म, सीतारामम के डायरेक्टर के साथ जो फिल्म आ रही है। 300 करोड़ की बजट है इसका, कुछ बताया जा रहा है, मतलब ये भी एक बिग प्रोजेक्ट है। ओके, तो इस फिल्म को लेकर के एक जबरदस्त अपडेट देखने को मिला है जो कि काफी सारे फैंस लोगों को अभी खुशी मिलने वाली है। ओके, तो मैं गाइस बताना चाहूंगा, जब से इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चली है तो लोग तो थोड़ा बहुत ये भी थे, क्योंकि ये एक लव स्टोरी ड्रामा होने वाली है, एक पीरियडिक फिल्म होगा, एक हिस्टोरिकल फिल्म होगा, लेकिन एक लव स्टोरी फिल्म होने वाली है। तो लव स्टोरी होगा बोल करके लोग कहीं ना कहीं, मतलब फैंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी थे इस फिल्म को लेकर के। ओके, फिर से लव स्टोरी फिल्म आएगा, राधे श्याम को याद कर रहे थे सब लोग, कुछ इस तरह का मतलब सिचुएशंस था। और मैंने बहुत सारा कमेंट अपने वीडियोज में भी पढ़े हैं, मुझे डीएम भी हुआ है कि डार्लिंग प्रभास की मतलब मिस्टेक होने जा रही है, कुछ फिल्में उसमें शामिल कर रहे थे, कनप्पा में जो भगवान शिव के किरदार में जो कैमियो करने जा रहे हैं उसको भी, मतलब उसके ऊपर भी लोग, मतलब डार्लिंग प्रभास के फैंस लोगों की मैं खासतौर पर बात करूंगा, बोलो खुश नहीं है। फिर राजा साहब मूवी के साथ भी बोलो खुश नहीं है, और ये भी फिल्म उस लिस्ट में शामिल हो रहा था कि हनु राघवापुरी के साथ जो लव स्टोरी फिल्म बनाने जा रहे हैं वो सही नहीं था बोल करके। लेकिन आज हमें एनटीआर ये क्या एनटीआर ना एनआईटी, ओके एनआईटी वारंगल में हमें उस जो डायरेक्टर हैं मतलब हनु राघवापुरी जी, उनसे कुछ सुनने को मिला है जो कि एक राहत वाली न्यूज़ है। वो कहते हैं कि डार्लिंग प्रभास के साथ जो फिल्म बनाने जा रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म होने वाली है। ओके, लव स्टोरी फिल्म इसका नहीं हो, ये एक्शन फिल्म होने वाली है। और विशाल चंद्रशेखर इसकी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत पहले से हमें एक अपडेट देखने को मिल चुका था कि इस फिल्म का, इस प्रोजेक्ट का मतलब म्यूजिक के ऊपर, सॉन्ग के ऊपर ये लोग काम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक पिक्चर ये लोग साझा करे थे, और मतलब ये इस फिल्म का सॉन्ग के ऊपर, बीजीएम के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं बोलकर के अपडेट दिए थे। तो विशाल चंद्रशेखर जो है तीन तीन गाने जो है इस फिल्म का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कंपोज कर चुके हैं। ओके, कुछ इस तरह का वो अपडेट दिए हैं। तो यहां पे सबसे गुड न्यूज वाली अपडेट ये है कि फिल्म का जेनर जो है वो एक्शन हिस्टोरिकल होने वाला है। ओके, हिस्टोरिकल फिल्म मतलब डार्लिंग प्रभास को एकदम से सूट करेगा, जबरदस्त लगेगा, उनका जो ऑरा है, उनका जो कटआउट है, उनको जो देखने में मजा आता है एक्चुअली में, तो ऐसे मतलब लार्जर देन लाइफ किरदार में जब आते हैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। इवन उनकी जगह पे किसी और को इमेजिन करोगे तो उतना मजा नहीं आता है। ओके, मतलब वो वन एंड ओनली लगते हैं कुछ ऐसे किरदारों में। ओके, तो उसी हिसाब से भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे नंबर पे एक्शन जेनर है, तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। डार्लिंग प्रभास जब एक्शन में आते हैं तो भाई मजा ही आ जाता है। तो इसका जो जेनर को लेकर के जो लोगों का थोड़ा बहुत ये था, अपसेट था कि भाई लव स्टोरी होगा, तो गाइस ये लव स्टोरी नहीं होगा, बस स्टोरी क्या होने वाला है मतलब कैसा जो भी हो, लेकिन इसका जो मेन जेनर जो है ना ये एक्शन होगा। ओके, एक्शन होगा, और ये भी एक एक्शन फिल्म होने वाली है, 300 करोड़ के बजट में बनने वाली है, और बहुत ही कमाल का फिल्म होने वाली है इसमें, मतलब। और वैसे भी अगर हम बात करें हनु राघवापुरी जी के बारे में कि वो किस तरह के डायरेक्टर हैं, भाई हम सीतारामम मूवी देखे हैं, वो बहुत ही कमाल तरीके से हर एक चीज को प्रेजेंट करते हैं, फिल्म को कहीं पे भी बोर नहीं करते हैं, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं। तो हम इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि ये डार्लिंग प्रभास को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ओके, और ऊपर से इस फिल्म में अगर हमें मृणाल ठाकुर को देखने को मिलेगा, तो मृणाल ठाकुर को किस तरह से वो पेश करते हैं आप लोग सीतारामम मूवी में देख चुके हैं। और अभी ये जो द फैमिली स्टार मूवी आया था, भाई द फैमिली स्टार मूवी में होल मूवी में सबसे ज्यादा अगर आप टॉप में रखोगे, रैंक पे रखोगे, तो मृणाल ठाकुर को ही रखोगे, क्योंकि उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा मस्त था। अगर फिल्म देखोगे तो उनका सीन वगैरह बहुत अच्छा लगा था। ओके, तो मृणाल ठाकुर को लेकर के इस फिल्म में आ रहे हैं, तो डार्लिंग प्रभास के साथ मृणाल ठाकुर बहुत ही अच्छे लगेंगे और फिल्म बहुत कमाल का रहेगा मेरे भाई। ओके, तो इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इसकी जो लव स्टोरी जनर बताया जा रहा था वो तो अभी नहीं रहा, एक्शन है, हिस्टोरिकल फिल्म है, तो उसी हिसाब से डार्लिंग प्रभास के कटआउट, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से भाई जनर तो सही जा रहा है। देखते हैं अभी हनु राघवापुरी इस फिल्म को किस तरह से बनाते हैं और हमें कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक और गुड न्यूज हमें पता चली है, सुजीत सिनेमेटिक यूनिवर्स करके आज बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। आपको पता है ओजी मूवी के बारे में जब से पता चली है, सुजीत को पूछा जा रहा था कि क्या ये साहो के साथ कनेक्ट करेगी, साहो के साथ मिल, मतलब साहो मूवी, ओजी मूवी, ये दोनों फिल्म जो है कि मतलब एक यूनिवर्स का पार्ट है, कुछ इस तरह का प्लानिंग है क्या, साहो का कुछ रेफरेंस हमें यहां पे देखने को मिलेगा, लिंक वगैरह देखने को मिलेगा, कनेक्ट होगा क्या, उस तरह का जब उनको क्वेश्चन पूछा गया तो वो कहते हैं, वहां पे ना नहीं कहे, हाँ भी नहीं कहे, लेकिन वो कहते हैं कि फिल्म में आपको सरप्राइज मिलेगा। इस क्वेश्चन के साथ अगर वो कहते हैं कि सरप्राइज मिलेगा, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि फिल्म में हमें साहू की वाइब्स देखने को मिल सकती है। ओके, तो इस तरह का हमें पहले से ये था, हमारा जो सोच था, हमारा जो कल्पना था, कुछ ऐसा था एक्चुअली में, लेकिन आज अपडेट देखने को मिला है कि सुजीत सिनेमेटिक यूनिवर्स का सच में कुछ ऐसा होने वाला है, ओजी इंटू साहू
इक्वल टू धमाका ये होने वाली है। ओके, तो कुछ इस तरह का सीन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वैसे भी ओजे मूवी का कुछ हमें कहानी के बारे में पता चली, उसके जनर के बारे में कि फिल्म कहाँ से, मतलब ये जो ओजी कैरेक्टर है कहाँ से आता है। तो गाइज कुछ ऐसा पता चल रहा था कि कहीं मतलब 15-20 सालों से एक गैंगस्टर है, एक डॉन है, जो कि अभी अपनी 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 दुनिया में, अपनी जो साम्राज्य है वहां पे लौट रहा है, कुछ ऐसा है। मतलब साहो और ओजी, मतलब पवन कल्याण और प्रभास, इन दोनों का कुछ ना कुछ रिश्ता है मेरे ख्याल से। ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, या फिर चाचा भतीजा हो सकते हैं, मतलब जैकी श्रॉफ का भाई हो सकते हैं, छोटे भाई हो सकते हैं, ये पवन कल्याण कुछ ऐसा भी हो सकता है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो कि ये लोग कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है दोस्त। ये हमारा थ्योरी है एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे सिनेमेटिक यूनिवर्स का कुछ इशारा है जो कि आज के डेट में अपडेट भी देखने को मिला है। और वैसे भी वाइजाग सिटी, ये सारी चीज को लेकर के कनेक्शन हम पहले से कर रहे थे, लेकिन आज का अपडेट जो है इस चीज को फिर से ताजा कर दिया है। अगर ऐसा होता है, एक साथ हमें अगर प्रभास को, पवन कल्याण को देखने को मिल जाती है, तो भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा। और ऊपर से खतरनाक विलन के किरदार में नजर आ रहे हैं इमरान हाशमीन भाई, बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल वाले एक्टर हैं वो। उनको सही ढंग से अगर प्रेजेंट कर दोगे तो भाई वो खा डालेंगे लिटरली। ओके, तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती होने वाली है। अगर ये होता है आगे चल करके आज के अपडेट के हिसाब से, तो बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं। वैसे भी 27 सितंबर को ओजी मूवी आ रही है, उसी दिन सारा का सारा चीज पता चल ही जाएगा अच्छे ढंग से। और अगर डार्लिंग प्रभास का कैमियो या फिर थोड़ा सा उनकी परछाई टाइप का कुछ ना कुछ अगर ऐसा है जो कि सुजीत अभी तक छुपा करके रखे हैं इस बात को, अगर वैसा वाला कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, तो भाई ये तो बहुत मजा आने वाला है लिटरली। ओके, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। फिलहाल आप अनुराघव पुरी के साथ डार्लिंग प्रभास की फिल्म और ये साहो सिनेमेटिक यूनिवर्स, मतलब सुजीत सिनेमेटिक यूनिवर्स के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।